आशिक साहब, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि जिन्होंने ये सारा प्रोग्राम अरेंज किया, और आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि आपने दूल्हे मियां को ये नहीं कहा भाई शादी कौन सा रोज रोज आती है, ढोल बजा लो, रक्स मंगवा लो, कंजरिया मंगवा लो, ये नहीं कहा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब तमाम अहबाब को मेरी तरफ से और दरबार आलिया बंगाली शरीफ की तरफ से गेरहा मुबारकबाद भी और सलाम भी, सलाम अकीदत कि आपने ये ऐसा माहौल पैदा किया। और आप तमाम की बारगाह में गुजारिश करूंगा, हजरात जी बकार उठे तो मुस्तफा करीम के लिए, मरे तो मुस्तफा करीम के लिए, सोए तो मुस्तफा करीम के लिए, सुबह उठे तो मुस्तफा करीम के लिए। वो किसी बुजुर्ग ने कहा था ना, अपने आप को कुतुब नुमा बना लो, अपने आप को कुतुब नुमा बना लो। कुतुब नुमा होता क्या है? अक्सर मस्जिद का किबला मालूम करने के लिए एक कंपास होता है, अक्सर फौजी हजरात इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? जब जंग का आलम होता है वो सिंह मालूम करते हैं, उसे जहाँ भी रखा जाए उसकी सुई जो है काबे की तरफ होती है। तो हजरात जी बकार उसको अगर इस जगह पे रखा जाए उसकी सुई काबे की तरफ होगी, बंगाली शरीफ पे रखा जाए सुई काबे की तरफ होगी, नारिया शरीफ में रखा जाए सुई काबे की तरफ होगी, घोड़ा शरीफ में रखा जाए सुई काबे की तरफ होगी, कैया शरीफ में रखा जाए सुई काबे की तरफ होगी, दाता अली हजवेरी के मरकज में रखा जाए सुई काबे की तरफ होगी। तो बुजुर्ग कहते हैं तुम जहाँ भी हो तुम्हारे दिल की सुई मदीने की तरफ। सुभान अल्लाह, जो भी अमल कर रहे हो, तुम जो भी फेल कर रहे हो, आज आपने जो फेल किया, आप किसी ने कहा ना हमारे इधर कहावत मशहूर है कि हक कार वाले दिल जा रहे हैं, आपने आप वो आज अमली नमूना पेश किया हक कार वाले दिल यार वाले। हजरात मोहतरम, यकीनन यहाँ पर अल्लाह का जिक्र होता है, हदीस मुबारक है, उसका मफहूम कुछ यूँ है कि जहाँ पर अल्लाह का जिक्र होता है फरिश्ते वहाँ पर जमा होते हैं, और जब फरिश्ते जमा होते हैं फिर क्या होता है? तवज्जो फरमाइएगा, वो फरिश्ते जब रब की बारगाह में वापस जाते हैं, रब पूछता है फरिश्तो तुम दुनिया में गए थे, क्या किया, क्या देख कर आए हो? अब रब तो जानता है, लेकिन वो कहते हैं ना हमारी बख्शिश का जरिया रब ने बनाया हुआ है। तो जब रब उनसे पूछता है तुम किधर कहाँ गए थे, वो अर्ज करते हैं रब कायनात खुला जगह पर, उनके अंदर शादी हो रही थी, जहाँ पर ढोल बजा करते